आणि मला विश्वास आहे की एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात मेट्रो असेल, वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स असतील किंवा ओबीसीच्या आरक्षणाचा प्रश्न असेल, इम्पेरिकल डेटा पूर्ण करून माननीय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाऊन ओबीसीला पुन्हा आरक्षण बहाल करणे हा विषय असेल किंवा इतर सगळे विषय, मी आता सगळे विषय मांडत नाही, मराठा आरक्षणापासून तर सगळे विषय हे निश्चितपणे एका निश्चित टप्प्यावर जातील, प्रत्येक समाजाला आणि विशेषतः दुर्बल घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न हे सरकार करेल, टप्प्यावर सुप्रीम कोर्टने आणि विशेषतः दुर्बल घटकाला आमच्या सगळ्यांच्या वतीनं देखिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें पूर्ण बहुमत मिला, बीजेपी को 106 सीटें, शिवसेना को 56 सीटें और कई अन्य लोग हमारे साथ आए, 170 तक हमारी मेजॉरिटी जा रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम भी ऐलान किया था, सबको मंजूर भी था, किंतु चुनाव के बाद शिवसेना के नेताओं ने यह निर्णय किया कि हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, जीवन भर जिनसे लड़ाई की और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ऐसे लोगों के साथ अलायंस किया और उसके बाद 2.5 साल हमने एक सरकार देखी जिसमें न कोई तत्व थे, न कोई विचार था, न कोई गति थी, न कोई प्रगति थी। जो सरकार चालू इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बंद कर रही थी, जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त थी, जिस सरकार के दो मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में गए, दाऊद के साथ रिश्ते, इसका आरोप मंत्री पर लगा, बावजूद उसके जेल में जाने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया, तो एक प्रकार से पथभ्रष्ट ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार शिवसेना के माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली और इस सरकार के चलते शिवसेना के विधायकों में बड़ा रोष था, उनको लगता था वापस वोट मांगने जाना है और आज तक जो बातें कही उसके विरोध में काम हो रहा है, जिनके खिलाफ जिंदगी भर लड़े उनके साथ बैठे वोट कैसे मांगेंगे, साथ ही में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके खिलाफ जो हारा उसको पैसा मिलता था, फंड्स मिलते थे और ये सारी चीजों से एक बड़ा अंदरेस था और उसके चलते श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने एक ही मांग की कि कांग्रेस एनसीपी के साथ हम नहीं रह सकते और ये गठबंधन तोड़ा जाए।